हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC की तरफ से है, यहाँ पे देखिए जारी किया गया है नया अपडेट, जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो JSSC ने किया है 1023 आवेदन को रद्द। चलिए बताते हैं कि ऐसा कौन सा आवेदन है JSSC की तरफ से जिसका रद्द करने का अपडेट आया है, वो भी 1023 आवेदन रद्द हुए हैं। चलिए बताते हैं किस कारण ये आवेदन रद्द हुए हैं, क्या आपका भी नाम इस रद्द के नोटिफिकेशन में है। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करते हैं। और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, मैं बताती हूँ कि इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ITI प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा के लिए हुए ऑनलाइन आवेदन में 1023 आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया है। आवेदन ने इसी के साथ रद्द हुए आवेदनों की निबंधन संख्या जारी कर दी है, यानी कि इसका जो है चेकलिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आप चेकआउट कर सकते हो आपका भी इसमें एप्लीकेशन नंबर है या नहीं। दरअसल ऑनलाइन आवेदन के क्रम में 766 अभ्यर्थियों ने सिर्फ पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा किया, वहीं 207 अभ्यर्थियों ने पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान किया, लेकिन इन अभ्यर्थियों द्वारा फोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। इस तरह 50 अभ्यर्थियों ने अपना नाम अन्य जानकारी समान पाई गई। परीक्षा के लिए 10 जुलाई से 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे, जिसमें कि 1023 पूरे जितने भी आवेदन थे उन्में से रद्द कर दिया गया है इन्हीं कारणवश। कि इन्होंने पहला जो स्टेप होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का, वो करके बाकी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करा, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे पहला जो है स्टेप पूरा करने के बाद, सेकेंड स्टेप भी पूरा करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो उनका लास्ट होता है फोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड करने का, उन्होंने अपलोड नहीं किया, जिनके कारणवश उनका आवेदन जो है रद्द कर दिया गया है। 50 अभ्यर्थियों के नाम अथवा अन्य जानकारियां समान पाई गई। कई अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर और फोटो अपलोड नहीं किया, जिसके कारण टोटल जो है ITI प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति के लिए 1023 आवेदन हो चुके हैं रद्द। तो आप भी चेक कर लीजिए कि आपका भी आवेदन रद्द हुआ है। चलिए इसकी ऑफिशियल जो PDF जारी हुई है उसको मैं दिखा देती हूँ कि आपका जो है क्या इसमें लिस्ट में नाम है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि PDF मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की जो एप्लीकेशन थी उनमें से 1023 पदों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें कि नियमित एवं बैकलॉग भर्ती थी। विज्ञापन संख्या 8/2023 एवं 9/2023 की आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। इसमें देखिए, पहला रजिस्ट्रेशन को पूरा करके बाकी प्रोसेस को इनकम्प्लीट रखा गया, जिसमें कि 766 अभ्यर्थी थे, जैसा आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन 766 जो कि रद्द कर दिया गया है। उसके बाद प्रारंभिक चरण यानी कि पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान हुआ है, उसमें देखिए आपका जो है एप्लीकेशन नंबर जो है टोटल जो है आपका 207 आवेदन रद्द हुआ। उसके बाद देखिए आपका जो है समान नाम पाया गया और फोटो एंड हस्ताक्षर को अपलोड नहीं किया गया, जिसमें कि टोटल 50 हैं। तो आप इस तरीके से अपना एप्लीकेशन नंबर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपका भी रद्द हो सकता है। बाकी जिन्होंने भी पूरे तरीके से फॉर्म को फिलअप किया है, पूरा स्टेज कम्प्लीट किया है, उनका रद्द नहीं हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दिया है क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो करना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।